नमस्ते, आज हम आए हैं ठाणे के एक फेमस प्लेस में जो तलाव पाली के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, जो पूरा एरिया जो देख रहे हैं आप, ये तलाव पाली के नाम से फेमस है। और यहाँ पे नीचे काफ़ी अच्छा रोड बनाया है, मिरर का काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिरर है और लाइटिंग भी बहुत अच्छी लगाई हुई है। यहाँ पे चलने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। ये देखिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिरर है और काफ़ी लोग यहाँ पर इवनिंग में आते हैं, फ़ोटो शूट करते हैं। देखिए, हमें यहाँ पे एक भेल वाले भैया मिल गए, तो सोचे ट्राई कर लेते हैं भैया की भेल। वैसे तो हम आज खाना खा के आए हैं, अभी नाइट रात हो गई है, बट इधर ऐसी जगह पे आओ तो खाने की इच्छा हो ही जाती है, तो हम सोचे भैया की भेल पूरी ट्राई कर लेते हैं। भैया ने काफ़ी अच्छी बनाई है, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें डाली है। देखो, तो मिक्स भी काफ़ी अच्छा कर लिया है। देखो, चलो ट्राई करते हैं कैसा है टेस्ट भैया का। काफ़ी कुरकुरे है और काफ़ी अच्छा है। ये देखिए, यहाँ पे लोग अपने बच्चों के साथ आते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे इवनिंग में अपन बोट से जा सकते हैं, वहाँ पे मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं और बोटिंग भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हो जाती है। ये देखिए, ये रात का टाइम समय हो गया है तो भैया थोड़े मच्छी पकड़ रहे हैं। ये देखिए घोड़ा गाड़ी, लोग यहाँ पे आके घोड़ा गाड़ी का भी लुफ्त उठा सकते हैं, बोटिंग, घोड़ा गाड़ी सब कुछ है यहाँ पे। देखिए, आप बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ आके अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू भी है जो 8 बजे तक ही ओपन होता है, उसके बाद क्लोज़ कर देते हैं, तो हम अंदर नहीं जा पाएंगे फिलहाल, बाहर से ही हम थोड़ा वीडियो ले लेते हैं इसका। ये देखिए हनुमान जी, हम ट्राई करते हैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाने का। ये देखिए, ये जो पूरा एरिया है, नाइट में काफ़ी अच्छी लाइटिंग दिखती है। ये देखिए, हमने जूम कर दिया तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। चलो आगे अभी उस साइड में देखते हैं, लेके वो साइड में क्या है, थोड़ा पानी पूरी ये सब के स्टॉल है सुना है। ये देखिए, यहाँ पे और घोड़ा गाड़ी है, ये सब इवनिंग में काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे इनमें घूमने के लिए। ये देखिए, यहाँ पे पानी पूरी का है, पाव भाजी है, डोसा है, काफ़ी सारे स्टॉल है, आप इवनिंग में आके ये सब ट्राई कर सकते हैं। भी हम खाना खा के आए हैं तो ये सब ट्राई नहीं करेंगे, बट एक भैया का फालूदा ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। सुना है यहाँ पे काफ़ी अच्छा रबड़ी फालूदा मिलता है, हमने 2 फ्लेवर लिए हैं वैसे, पिस्ता और बटर स्कॉच। ये देखिए, और ये भैया की फेमस रबड़ी, वाह काफ़ी गाढ़ी लग रही है। देखते भैया और क्या क्या डालते हैं इसमें रबड़ी के साथ, और सुना है काफ़ी कुछ डालते हैं। और ये देखिए, शायद भैया कुल्फ़ी भी डाल दिए भैया ने इसके ऊपर, कुल्फ़ी डालने वाले। ये आ गई अपनी कुल्फ़ी, मावा कुल्फ़ी है, रबड़ी और मावा दोनों का मज़ा आएगा। हम ट्राई करेंगे आपको और काफ़ी चीज़ें दिखाने का, ठाणे के जो भी फेमस प्लेसेस है, जो भी फेमस खाने का प्लेसेस है वो सब। तो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियोस ज़रूर देखिए।